हाँ जी तो पुनः आपका स्वागत करते हैं जीएटी पेपर के लिए तो फटाफट से जुड़ जाइएगा सभी बच्चे अभी अपने विजय सर जो हैं वो आपको जीएटी का सोल्यूशन बताएंगे तो आइए सर जी में सबसे पहले अपन इंग्लिश को लेते हैं तो आप इंग्लिश का पेपर सेट नंबर ए जो है वो शुरू करेंगे तो विजय सर आपको सेट ए का सोल्यूशन देंगे आइए सर सेट ए शुरू करते हैं गुड इवनिंग स्टार्ट करते हैं इंग्लिश का सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे वोकेबल तो सबसे पहले वोकेबल के हम क्वेश्चंस देखेंगे इसमें आपके कितने क्वेश्चंस आए हैं और किस क्वेश्चन को कैसे डील करना है ठीक है ये होगा ना शायद इसको उठाना पड़ेगा तो सबसे पहले हम क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे वोकैब के ही गणा सकता जी यहाँ से आपके वो कैप के क्वेश्चन स्टार्ट हैं सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स तो सबसे पहले इसमें हम डील करेंगे एंटोनिम्स को जो कि आपके दस क्वेश्चन दिए गए हैं और दस ही क्वेश्चन आपके सिनोनिम्स के हैं तो सबसे पहला आपका पॉइंट एंटोनिम्स का है फर्स्ट क्वेश्चन है ही इज एसेंशियली ए क्रूड पर्सन तो यहाँ पे हमें क्रूड का एंटोनिम बनाना है बताना है और यहाँ पे एक वर्ड लिखा है रिफाइंड यहाँ पे एक वर्ड आपका लिखा है रिफाइंड रिफाइंड तो यहाँ पे का मीनिंग सबसे पहले जैसे कि आपका एक क्रूड ऑयल होता है वैसे ही क्रूड का ऑपोजिट का मतलब होता है पोलिस्ट मतलब तो क्रूड काम हो जाएगा रिफाइंड सा वर्ड है अगला हमारा सेंटेंस है यहाँ पे जो कॉन्फिडेंस है ये आपका कौन प्लस फिड वर्ड से बना है कौन का मतलब together होता है, fit का मतलब मतलब होता है फिड फेथ होता है माई फेथ इज टूगेदर विद मी ऑपोजिट बन जाएगा डिफिडेंस क्योंकि डिफिडेंस में भी फिड वर्ड है और वहां पे डी लिखा हुआ है जो कि आपके वर्ड को ऑपोजिट बना देता है तो कॉन्फिडेंस का ऑपोजिट हो जाएगा डिफिडेंस सिंपल सा वर्ड है

यहाँ पे हमने एक वर्ड पढ़ा था बेन या फिर हम उसे कहते हैं बेने या फिर आपका रूट वर्ड है बोना बोना बेन बेने या फिर आपका रूट वर्ड हो जाएगा बोना. ये तीनों जो रूट वर्ड है इन तीनों का मतलब होता है गुड बेन बेने बोना का मतलब होता है गुड और इसी का रूट वर्ड ऑपोजिट आपको बताया था इसी का वर्ड आपको बताया था मेल या फिर मैले ये आपके वर्ड है इनका मतलब होता है बैड मैल का मतलब मैले का मतलब बैड और बैन बेने बोना का मतलब गुड तो यहाँ पे लिखा हुआ है बेनेवलेंट ऑपोजिट लिखा हुआ है मेलेवलेंट तो बैड बैन का ऑपोजिट हो जाएगा मैल तो बैन बेने बोना का मतलब गुड और मैल मैले का मतलब बैड यही क्वेश्चन सेम इसी रूटवर्ड से क्वेश्चन पिछले वाले जो एनडी का पेपर हुआ था वहां पे भी पूछा गया था और इसमें भी रिपीट हुआ है अगला आपका है सर्टोरियल हिज सर्टोरियल मैनर इज जस्ट यहाँ पे आपका है अनस्टाइलिश अनकम्प्रोमाइजिंग कॉमन क्रूड तो सर्टोरियल का मतलब होता है जिसने अच्छे कपड़े पहन रखे हैं जिसका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा है ये टेलरिंग के लिए यूज में होता है और ऑपोजिट इसका हो जाएगा अनस्टाइलिश क्योंकि सर्टोरियल का मतलब होता है स्टाइलिस्ट जिसने कपड़े अच्छे पहन रखे हैं ड्रेसिंग सेंस इसका बहुत गजब है ऑपोजिट इसका बनेगा अनस्टाइलिश आपका अगला क्वेश्चन आएगा दिस पीस ऑफ आर्ट दिस पीस ऑफ आर्ट इज ऑथेंटिक कॉमन सा वर्ड है ऑथेंटिक का मतलब होता है जेनुअन रियल ऑपोजिट इसका बनेगा यहाँ पे फेक कॉमन सा वर्ड है इसमें नया कुछ भी नहीं है ऐसे कॉमन से वर्ड्स भी रिपीट होते रहते हैं जेनुअन का या ऑथेंटिक का ऑपोजिट आ जाएगा फेक आगे हम देखेंगे इसमें आगे आपके क्वेश्चंस यहाँ पे लिखे हुए हैं

फ्लड बाढ़ जिसे हम कहते हैं तो यहाँ पे इसका ऑपोजिट हो जाएगा ड्रॉट ड्रॉट का मतलब होता है सूखा ड्रॉट का मतलब सूखा होता है क्लाउड बस्ट का मतलब होता है डाउन पॉर रेनिंग भयंकर बारिश जिसे हम कहते हैं डिफोरेस्टेशन का मतलब होता है जंगलों को जो हम काटते हैं वनों को काटते हैं और ड्रिजल का मतलब होता है बूंदाबांदी तो यहाँ पे डिल्यूज का ऑपोजिट आपका जाएगा ड्रॉट अगला आपका वर्ड है हिज डेडिकेशन डेडिकेशन इज नॉन टू ऑल कॉमन सा वर्ड है किसी भी काम में आप अपना पूरा डेडिकेशन लगाते हैं पूरे एफर्ट्स आप लगाते हैं आप सोल के साथ में काम करते हैं तो डेडिकेशन का ऑपोजिट हम पढ़ेंगे यहाँ पे एपैथी एपैथी वर्ड हमने पढ़ा था ये आपके दो रूट वर्ड से मिलके बना है ए या एन का मतलब होता है नॉट और पैथी का मतलब होता है फीलिंग्स इसका मतलब ये हुआ जिस पर्सन में कोई फीलिंग्स ही नहीं है ना किसी अच्छे काम के लिए ना ही किसी बुरे काम के लिए उसे आप न्यूट्रल कहेंगे उसे आप इनडिफरेंट कहेंगे देखिए डेडिकेशन तो होता है जिसमें काम को करने के लिए करेज होता है फीलिंग्स होती है और ये एपैथी जो आपका है इसका मतलब होता है न्यूट्रल पर्सन तो यहाँ पे इसका ऑपोजिट हो जाएगा एपैथी अगला वर्ड आपका आता है परसैसिटी परिटी का भी हमने लिंक पढ़ा था आपको अगर पर्स पिक करना है पर्स पिक करना है तो आपको वाइज होना पड़ेगा ये इसका ट्रिक था करना है तो वाइज होना पड़ेगा पर्सपिकेसिटी का मतलब होता है वाइज होना या फिर केयरफुल होना या फिर हर चीज के बारे में पता होना सही क्या है गलत क्या है उसके बारे में पता होना तो यहाँ पे पर्सपिकेसिटी का ऑपोजिट आपका बनेगा डलनेस डल का मतलब होता है न्यूट्रल जिसको न्यूट्रल कह सकते हैं जो डल है और पस्पिकस है जिसमें इंटेलिजेंस है जिसमें विजडम है और ऑपोजिट हो जाएगा डल डल का मतलब होता है कमजोर वीक ऑपोजिट आपका हो जाएगा पिकेसिटी का

सारे के सारे वर्ड जो हमने पढ़े हैं वहीं से पूछे गए हैं अब हम डिस्कस करेंगे आपके synonyms. तो synonyms के भी आपके पेपर में दस क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछला जो एनडीए का पेपर हुआ है उसमें भी दस इक्वेशन थे सिनेम्स के और यहां पे भी दस इक्वेशन है इसको सर थोड़ा सा ठीक करना जी तो देखिए यहां पे आपका क्वेश्चन नंबर है फोर्टी वन आफ्टर ए गुड मील इट इज इम्पोर्टेंट टू पे कॉम्प्लीमेंट टू द शेप अब यहां पे कॉम्प्लीमेंट जो वर्ड है कॉम्प्लीमेंट आपको कंफ्यूज किया जा सकता है कॉम्प्लीमेंट आपको कंफ्यूज किया जाएगा कॉम्प्लीमेंट एक होता है ओ एम पी एल ई एम -E ई एन -E टी देखिए इसमें ई e है एंड इसमें आई है इस कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है दैट कम्प्लीट समीट करता है एंड दिस कॉम्प्लीमेंट मीन होता है किसी का प्रेज करना किसी का प्रेज करना किसी की प्रशंसा करना किसी को एडमायर करना पिछले एनडीए के पेपर में भी सिनोनिम यहां से पूछा गया था क्वेश्चन प्रेज था, वर्दी और उसका एंटोनिम पूछा था यहां पे सिनोनिम पूछा जा रहा है कॉम्प्लीमेंट का यहां पे हो जाएगा प्रेज प्रशंसा करना एडमायर करना कमेंट करना एक्स्टॉल करना एनकोम करना सारे वर्ड्स हमने पढ़े तो यहाँ पे पिछली बार क्वेश्चन में प्रेज था और एंटोनिम पूछा था यहाँ पे अब की बार इसको सुनने में पूछा गया है कॉम्प्लीमेंट का मतलब है किसी का प्रेज करना जैसे हम बोलते हैं थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट तारीफ करने के लिए शुक्रिया तो यहाँ पे तारीफ करना प्रशंसा करना प्रेज हो जाएगा फिर अगला वर्ड आता है हिज वर्क इज लोडेबल अब यहाँ पे हमने एक वर्ड पढ़ा था अपलोड अपलोड से हमने एक वर्ड डिराइव किया था लोड और एक वर्ड इसी से हमने और बनाया था एक वर्ड आपका और बना था यहाँ पे अपलोज इन तीनों का मतलब होता है इन तीनों का मतलब होता है किसी की प्रशंसा करना इन तीनों का मतलब होता है प्रशंसा करना तो देखिए यहां पे आपके सिनेम में सेम क्वेश्चन पूछा है यहां पे भी पूछा है पिछले पेपर में भी पूछा था इंपोर्टेंट वर्ड है हमने सारे पढ़े थे लोड लोडेबल अपलोड अपलोज इन सभी का मतलब प्रशंसा करना और यहाँ पे देखिए लोडेबल आपका एब्जेक्टिव है और प्रेज भी एब्जेक्टिव है तो तो पे आपका आपका हो हो जाएगा जाएगा किसी की तारीफ तारीफ करना और ये है है करने के जैसे हम कहेंगे तो अ, का हो जाएगा, वर्दी. फिर अगला आपका वर्ड आता है, राज इज ए कॉम्पिटेंट कारपेंटर देखिए कॉम्पिटेंट को हमने कैसे पढ़ा था कॉम्पिटिश से कॉम्पिटिशन कॉम्पिटेंट कॉम्पिटिटर इसका मतलब होता है कैपेबिलिटीज होना कॉम्पिटेंट का मतलब होता है abilities, capabilities होना तो इसका synonym कौन सा हो जाएगा कैपेबल हो जाएगा Complacent का हो जाएगा, कैपेबल कैपेबल यानी जिसमें uh,

केयरफुल होना और हमने एक वर्ड पढ़ा पढ़ा था वहां था आपका वर्ड था पेंस, टेकिंग। पेंस का मतलब होता है केयरफुल होना पेंस टेकिंग पेंस का मतलब होता है केयरफुल होना तो किसी भी काम में केयरफुल होना डिलीजेंट का ये मीनिंग होता है तो यहाँ पे हम देखेंगे आपका एक वर्ड है यहाँ पे ऑप्शन है डी Conscientish. Conscientish का मतलब क्या होता है यहाँ पे एस सी आई रूटवर्ड है जिसका मतलब होता है टू नो no, जानना किसी काम के बारे में जानना उसके लिए अवेयर रहना वहां पे क्या रहना वहां पे पेन स्टेकिंग रहना वहां पे सावधान रहना केयरफुल रहना तो ये इसका मीनिंग हो जाएगा अगला क्वेश्चन हम देखेंगे यहाँ पे अगला क्वेश्चन हमारा है अगला क्वेश्चन आपका यहां पे है कहां तक हुआ था अपना कॉम्पिटेंट हो गया डिलीजेंट हो गया अगला है ही अपियर्स टू बी रेटिसेंट ही अपियर्स टू बी रेटिसेंट रेटिसेंट का लिंक वहां पे सीधा सीधा लिखा गया था रोटी खाने वाले जो संत होते हैं वो कैसे होते हैं वो गैर मिलनसार होते हैं वो दूसरे से बात नहीं करते हैं वो इंट्रोवर्ट होते हैं रिजर्व के पर्सन होते हैं रेटिसेंट होता है कभी नहीं बोलता बहुत कम बोलता है शायद ही कभी बोलता है तो रेटिसेंट का यहाँ पे हम क्या लिखेंगे साइलेंट लिखेंगे जो साइलेंट रहता है जो साइलेंट रहता है और सेम वर्ड आज जो सी का पेपर हुआ है वहां पर भी पूछा गया है रेटिसेंट ही पूछा गया था और आई थिंक उसका आंसर टर्स था समथिंग ऐसा कुछ था तो ये आपका रेटिसेंट क्या हो जाएगा एकदम एक साइलेंट एक्सपेंसिव जोली विड्रोन ये आपके इसके मीनिंग्स नहीं होंगे ही इज ऑलवेज जोवियल यहाँ पे हमने पढ़ा था जे ओ वी या फिर जे ओ सी इनका मतलब होता है इनका मतलब होता है खुश होना जेओवी या जे ओसी का मतलब होता है खुश होना मजाक करना तो जोवियल का मतलब होता है जो खुशनुमा आदमी होता है खुशनुमा पर्सन होता है जो पर्सन होता है उसके लिए जोवियल वर्ड यूज में लेते हैं He is always jovial. Jovial का मतलब हो गया चीयरफुल इज ऑलवेज जोवियल मतलब चीयरफुल अब यहाँ पे कैलस कौन होता है कैलस होता है हार्ड हार्टेड हार्ड हार्टेड को हम कह सकते हैं पत्थर दिल इंसान हार्ड हार्टेड होता है पत्थर दिल इंसान उसको हम कैलस कहेंगे क्रेडुलसम रूट वर्ड आपका क्रेड है और क्रेड का मतलब होता है फेथ विश्वास करना क्रेडुलस वो पर्सन होता है जो किसी की बातों पे फटाफट यकीन कर लेता है जो किसी की भी बात पे यकीन करने के लिए ईगर रहता है बेवकूफ आदमी को क्रेडुलस कहेंगे जो किसी भी बात पे यकीन कर लेता है और आपका गैरुलस हो गया गैरुलस का मतलब होता है बहुत बातें करने वाला पर्सन जैसे भी एक वर्ड आया था आपका रेटिसेंट उसका ऑपोजिट हो जाएगा गैरुलस

मोरोज यहाँ पे एक वर्ड है इंट्रोस्पेक्टिव देखो इंट्रो का मतलब होता है इनवर्ड और स्पेक्ट का मतलब होता है देखना इसका मतलब खुद के अंदर झांक के देखना खुद को इवैल्यूएट करना खुद के अंदर झांक के देखना जेनरस होता है उदार आदमी चिरपी होता है एकदम चीयरफुल आदमी एकदम खुशनुमा आदमी चिरपी होता है एकदम खुशनुमा आदमी इसको मैं चीयरफुल लिख देता हूं और आपका अगला है सलन सलन को हमने पढ़ा था वह सैलून गया ना ना तो तो उसके उसके चेहरे पे ग्लो आया और ना ही उसके बाल सिल्की हुए तो वो क्या हो गया उदास हो गया देखिए सलन ग्लूमी सलकी तीनों का मतलब होता है उदास होना सलन ग्लूमी सलकी का मतलब उदास होना होता है तो मोरोज का मतलब उदास होना डी इज द करेक्ट आंसर फिर अगला देखते हैं हम देखिए नेक्स्ट आपका है ही वॉज ए रिलक्टेंट लर्नर ये तो सिंपल सा वर्ड हमने बिना किसी लिंक के पढ़ा था डायरेक्ट इसका मीनिंग मैंने बताया था अनविलिंग इसका मीनिंग होता है अनविलिंग अनविलिंग

मतलब उनको समझ में नहीं आ रहा था बच्चों को सबसे पहले दो वर्ड क्लियर करो कवर्ट का मतलब होता है जो चीज कवर्ड है, है इसका मतलब होता है hidden, छुपा हुआ इसका मतलब होता है hidden, छुपा हुआ कवर्ड और कनाइविंग कनाइविंग का मीनिंग देखिए का मीनिंग होता है किसी या किसी या डिसऑनेस्ट काम में किसी को सपोर्ट करना, कॉम्प्लेसेंट एंड कॉम्प्लेसेंट यहाँ पे दो वर्ड है अब इस कॉम्प्लेसेंट में एक रूट वर्ड आपका आता है पी एल ए पी एल ए को हमने पढ़ा था पी एल ए को हमने पढ़ा था पी एल ए का मतलब होता है पीस पीस या फिर काम जिसे हम कहते हैं काम डाउन शांत होना कॉम्प्लेसेंट पी एल ए या फिर एक रूटवर्ड एक और है पी ए सी ये दोनों रूटवर्ड से जिनका मीनिंग होता है पीस एकदम शांत होना पी एल ए पी ए सी तो कॉम्प्लेसेंट का मतलब होता है पीसफुल या फिर उसको हम कहेंगे काम डाउन और वहां पे कॉम्प्लेसेंट वर्ड एक और दिया हुआ है अब देखिए इस कॉम्प्लेसेंट का मतलब तो होता है जो अपने आप से क्या है सेटिस्फाइड है जो अपने आप से सेटिस्फाइड है उसे तो हम कॉम्प्लेसेंट कहेंगे और ये जो कॉम्प्लेसेंट है ये वो पर्सन होता है जो ईगर होता है जो ईगर होता है जी कॉम्प्लेसेंट वो पर्सन होता है जो ईगर होता है किसके लिए ईगर टू हेल्प अदर्स जो दूसरों की हेल्प करने के लिए ईगर होता है इच्छुक होता है उसे हम कह देते हैं कॉम्प्लेसेंट उसे हम कह देते हैं ये आपका कॉम्प्लेसेंट तो इसका आपका आंसर हो जाएगा कॉम्प्लेसेंट कॉपरेटिव का मतलब होता है जो दूसरों को कॉपरेट करता है और कॉम्प्लेसेंट का मतलब होता है जो इच्छुक होता है दूसरों को कॉपरेट करने के लिए हेल्प करने के लिए और वो पर्सन ये होता है जो खुद से सेटिस्फाइड है ठीक है ये थोड़ा सा डिफरेंस था दोनों में तो इसका आंसर ए हो जाएगा

एरर के क्वेश्चन देखिए ए कंपनी ऑफ 5,000 थाउजेंड सोल्जर्स यहाँ पे हम देखेंगे ए कंपनी ऑफ 5,000 थाउजेंड सोल्जर्स हैविंग मार्च टायरलेसली फॉर ओवर फाइव डेज हैव जस्ट मूव्ड इनटू देयर कैंटोनमेंट यहाँ पे हम देखेंगे जो ऑफ है ये आपका हो गया प्रेपोजिशन जो ऑफ है ये आपका प्रेपोजिशन हो गया प्रेपोजिशन के बाद में जो भी लिखा जाता है उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं ऑब्जेक्ट कहते हैं जो कि नाउन या प्रोनाउन होता है इसका मतलब आपका सब्जेक्ट है आपका सब्जेक्ट है ए कंपनी ए कंपनी आपका सब्जेक्ट है सिंगुलर है कि प्लुरल है ए या एन लगा होता है तो सिंगुलर ही होगा ए कंपनी आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है फिर आगे वहां पे लिखा हुआ है

फीमेल होता है हर और समथिंग है या कोई एनिमल है तो हम इट्स लिखते हैं तो आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है आपका भी सिंगुलर होगा और आपका भी होगा। देर हमेशा प्लूरल होता है सब्जेक्ट तो होता है, है तो इट्स है अगला क्वेश्चन देखिए एवरी पर्सन हु बिलीव इन प्रिंसिपल्स मस्ट स्टैंड फॉर देर यहाँ पे थोड़ा सा एरर है फिर से इसको देखें एवरी पर्सन हु बिलीव इन प्रिंसिपल्स मस्ट स्टैंड अप टू फाइट फॉर देर अब यहां पे हमने लिखा एवरी जो आपका एवरी है ये कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा था हमने पढ़ा था एवरी इधर और निदर ये वर्ड्स हमने पढ़े थे ये हमेशा सिंगुलर होते हैं ईच एवरी इधर निधर हमेशा सिंगुलर होता है इनके आगे जो नाउन आएगा वो भी सिंगुलर होगा इनके आगे जो वर्ब आएगा वो भी सिंगुलर होगा इनके आगे जो आएगा वो भी singular होगा और अभी अभी मैंने बताया था जो जो है 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 ये तो आपका होता है। आपका होता है। और आपका होता होता और इसमें हिज है इसमें आपका हर है और इट्स है ये आपके सिंगुलर होते हैं ये आपके सिंगुलर होते हैं तो यहाँ पे एवरी लिखा है पर्सन आपका जो नाउन है सिंगुलर है वर्ब आपका सिंगुलर है और देर जो आपने लिखा है इसका सिंगुलर हो जाएगा His. तो हमें इस बात का ध्यान रखना है ईच एवरी इधर निधर कभी भी दिया हो नाउन सिंगुलर वर्ब सिंगुलर पजेसिव एडजेक्टिव भी आपका सिंगुलर होगा पजेसिव एडजेक्टिव को पजेसिव डिटर्मिनर भी कहा जाता है तो यहाँ पे देखेंगे अगला आपका क्वेश्चन देखिए द ओलंपिक गेम्स रिफ्लेक्ट्स द हाइएस्ट स्पिरिट ऑफ ह्यूमन एंडेवर एंड अचीवमेंट

रिज नहीं होगा क्या द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल

And amongst, दोनों ही सही होते हैं इस में uh, में आपका 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 होगा क्योंकि इसमें जैसा subject है verb आपका second form दे है और इसके साथ अगर दिया होता तो wrong हो जाता ट्रांजिटिव वर्ब को प्रेपोजिशन नहीं ऑब्जेक्ट चाहिए जो कि नाउन या प्रोनाउन होता है तो नीड आपका यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन गया अमंग among और अमंगस्ट दोनों में से आप कोई सेंटेंस आपका नो एर फेलियर इज द stepping stone success How however successive failures are not successive stepping stones to success simple sa ek ye idiom ho jayega simple sa ek ye saying ho jayega failure is the stepping stone to yahan pe the ka use hum nahi karte simply hum bolte hain failure is a stepping stone. तो यहाँ पे आपका article का error होगा दे की जगह आपको a का -ka, use करना है अगला sentence आपका है India's strengths are. अब यहाँ पे error स्ट्रेंथ में नहीं है ये आपका count noun है और जो काउंट होता है वो सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है इसको प्लूरल किया गया है अगर आपका नाउन आपका सब्जेक्ट प्लूरल है वर्ब भी प्लूरल है सही है इंडियाज स्ट्रेंथ आर इट्स डाइवर्सिटी ऑफ कल्चर एंड द स्पिरिट ऑफ टॉलरेंस इन इट्स पीपल नो एरर यहाँ पे हम देखेंगे जो पीपल है ये नाउन होता है नाउन से पहले डिटर्मिनर आता है अब आपका ये जो इट्स है ये आपका जो इट्स है इसका मतलब है ये फुल फॉर्म होता है किसका इट इज का शॉर्ट फॉर्म है कंट्रक्टेड फॉर्म है इट इज का फॉर्म इट्स है 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 अब इट सब्जेक्ट ये आपका वर्ब आगे कॉम्प्लीमेंट चाहिए लेकिन आगे यहाँ पे नाउन लिखा है नाउन से पहले एडजेक्टिव आता है या डिटर्मिनर आता है तो यहाँ पे इट्स जो होता है ये आपका पॉजिटिव डिटर्मिनर होता है तो इस इट्स की जगह हमें लिखना है इट्स जो कि पॉजिटिव डिटर्मिनर होता है अगला सेंटेंस आपका है वंस कंसीडर्ड नाइन्थ प्लैनेट ऑफ़ द सोलर सिस्टम प्लूटो इज टुडे लिस्टेड एज द लार्जेस्ट ड्वार्फ प्लैनेट ऑन द सोलर सिस्टम वंस कंसीडर्ड नाइन्थ प्लैनेट यहाँ पे हम देखेंगे जो नाइन्थ आपका है ये आपका होता है ऑर्डिनल जो नाइन्थ है इसको हम ऑर्डिनल कहते हैं फर्स्ट सेकंड, थर्ड, फोर्थ आपके One, two, आपके ऑर्डिनल्स ऑर्डिनल्स हैं। हैं। कार्डिनल्स होते में आर्टिकल नहीं आएगा तो यहाँ पे हम नाइन्थ से पहले यूज़ करेंगे यहाँ पे आपका सेंटेंस बनेगा वंस कंसिडर्ड द नाइन्थ द सोलर सिस्टम से पहले अगला सेंटेंस आपका है

ये तो आपका पजेसिव प्रोनाउन होता है और एक आपका आता है वन अपोस्ट्रफी एस वंस तो यहाँ पे जो वंस आपने लिखा है इसको आगे नाउन चाहिए और यहाँ पे ड्रीम्स आपका नाउन है तो इस वंस की जगह में लिखना है वन अपोस्ट्रफी एस वंस हमें ये वाला लिखना पड़ेगा पजेसिव प्रोनाउन को आगे नाउन नहीं चाहिए डिटर्मिनर को आगे नाउन चाहिए तो वंस के आगे ड्रीम्स लिखा हुआ है इसलिए आपका वंस हो जाएगा यहाँ पे अगला आपका सेंटेंस है टू बी एबल टू मैनेज एंगल मेच्योरिटी यहाँ पे जो अपी है ये सही है क्योंकि आगे नाव लिखा हुआ है और यहाँ पे हमारा जो एर होगा यहाँ पे जो अप्रॉफी है ये भी आपका सही है क्योंकि एंगर आ गया यहाँ पे भी नाउ लिखा हुआ है एरर आपका आ जाएगा हमें लिखना है यहाँ पे

एक सेकेंड जैसा कि आपको सर ने बताया कि इनमें क्लास में जितना करवा चुके हैं नाइन्टी परसेंट से ज्यादा अपने पेपर में आया है नाइनटी परसेंट से ज्यादा तो जो भी है थैंक यू सर थैंक यू तो अपने जो भी क्वेश्चन नंबर इलेवन है इलेवन

आंसर तो इसके अंदर आएगा ट्वेल्व के अंदर बी तो ट्वेल्व के अंदर अपने बी ऑप्शन के अंदर ए था 13 में चलते हैं. Time, का होता है, पता है कि कुछ नेगेटिव होने वाला है कुछ बुरा होने वाला है उससे पहले उसको रिकवर कर लेना थर्टीन के अंदर आ जाएगा आंसर अपना डी तो थर्टीन में डी क्लिक कर लोगे आगे बढ़ते हैं सर तो इसको क्वेश्चन नंबर <coughs> तो बच्चे सारी चीजें अपने क्लासेस में कवर कर चुके हैं भले वो कैप का सेशन है भले ग्रामर का क्वेश्चन नंबर फोर्टीन एट सिक्स एंड सेवन बिल्कुल पड़ा हुआ अभी बी कंफ्यूजन की कंडीशन में होना है ना हेल्टर वगैरह तो फोर्टीन के अंदर आएगा अपना आंसर सी सॉरी फोर्टीन के अंदर आंसर सी क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन पे चलते हैं टिंग ट्वेंटी टू दीन्स ऑप्शन ए इसमें टॉकिंग हरीडली एंड रेपिडली फास्टली मतलब क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन पे चलते हैं वेदर अंडर दर बेटा इल अनवेल अच्छा फील ना होना बीमार फील करना यानी कि सिक्सटीन में अपना आंसर है डी तो सिक्सटी में आंसर डी आ जाएगा बड़े ही सिंपल से क्वेश्चन है और क्लास के अंदर सारे कवर कर चुके हैं अपने ऑफलाइन क्लास के अंदर क्वेश्चन नंबर हमारा 17 है टू सिट ऑन दी फेंस यानी कि टू बी अनडिसाइडेड यानी कि किसी डिस्प्यूट को लेके होता है ये डिस्प्यूट में हमने डिसाइड नहीं कर पा रहे कि, कि किसकी साइड लेनी है किसकी साइड नहीं लेनी है तो सेवनटीन के अंदर अपना आंसर आएगा सी तो सेवनटीन में सी क्लिक करोगे टू बी अनडिसाइडेड कई बच्चों ने इसमें गलती की आंसर डी लगाने की आंसर डी नहीं आ सकता बेटा इसमें एटीन वंस इन द ब्लू मून

तो ये वाले देखो बेटा कनेक्शन और क्ल्यू अगले सेंटेंस के लिए जो अपने को मिलता है उसी के ऊपर बेस्ड सारे क्वेश्चन और इजिली सोल्व होने वाले हैं तो अपना जो ये वाला क्वेश्चन है और डील में इन भी आता है क्लास में आता है। अब आता, बात कर चुके हैं उसके बाद में एग्री में भी, भी रखा है तो दोनों ऑप्शन में आर और एस में विध दे रखा है अपने को। कैसे करना है देयर आर मैनी इसके बाद में आएगा अपना एस ऑप्शन विद विद्रांजिटिंग कस्टमर्स को क्लिक कर लो बेटा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू में चलते हैं ये भी बेटा बहुत आसान क्वेश्चन है बिल्कुल थोड़ा सा टेंस का नॉलेज का नॉलेज कर सकते हैं इसको क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू में कह रहे कि

बाय बास हॉकी टीम अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया ओलंपिक्स तो बेटा सी क्लिक करोगे ट्वेंटी थ्री में तो ट्वेंटी थ्री के अंदर आ जाएगा अपना सी तो सी क्लिक कर देंगे पे चलते हैं तो कह रहा है। देखो इसमें वही बात है कि इकोनॉमिक प्रोग्रेस इज डिटरमाइंड बच्चे थोड़े से कंफ्यूज है जैसे बच्चों के फोन आ रहे हैं कि सर थोड़ा सा कंफ्यूजन तो रहा है इस क्वेश्चन में तो बिल्कुल बेटा थोड़ा सा इकोनॉमिक बाद में पी आएगा इन टर्म्स ऑफ जीडीपी एंड जीएनपी अब से पहले दो तभी तो आगे टू आया सिंपल था बेटा कनेक्ट connect करना बिल्कुल सिंपल था तो इसमेंटी फोर के अंदर सी तो ट्वेंटी में सी क्लिक करो आंसर सी एस पी आर क्यू क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी पे चलते हैं देखिए इसमें ऑप्शन दो के बीच में कंफ्यूजन ऑप्शन ए और बी में

और ये भी बेटा ईडीएम यूज किया है यहाँ पे मैन ऑफ स्ट्रो और क्लास में सॉल्व कर चुके हैं अपने ये क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स के अंदर चलते हैं ट्वेंटी सिक्स क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें ऑन द वन हैंड देयर इज द इमेंस ब्यूटी ऑफ इट्स रेन सोक्ड वेडर बच्चे वेडर क्या होता है मतलब ग्रीनरी हरियाली टाइप और सो किस चीज को सोखना तो प्रेफर किसको करते हैं इसी चीज को कि रेन सॉक्ड वेडर है

कॉजेज ऑफ एक्सट्रीम पॉवर्टी द causes ऑफ एक्सट्रीम पॉवर्टी इसके बाद में आर आना चाहिए द causes ऑफ एक्सट्रीम पॉवर्टी आर ऑफन रूटेड इन द inequalities ऑफ सोशल सिस्टम्स तो 27 में आंसर आंसोरी क्लिक करेंगे ऑप्शन ए तो 27 के अंदर ऑप्शन ए आएगा 28 पे चलते हैं 28 पे <coughs> ट्वेंटी एट में बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है कह रहे है कि इसके अंदर यू मस्ट जज यू मस्ट जज अ पर्सन बाय द वे ही बिहेव्स एंड नॉट बाय द वे ही लुक्स तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है ट्वेंटी एट में ऑप्शन ए क्लिक करो ट्वेंटी एट में ऑप्शन ए क्लिक हो जाएगा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन पे चलते हैं ट्वेंटी नाइन नंबर क्वेश्चन ट्वेंटी नाइन नंबर क्वेश्चन अपना थोड़ा सा इंपेरेटिव कमांड पे दे रहा है इंपेरेटिव कमांड पे ट्वेंटी तो नाइन के अंदर चेक करें इसमें कह रहे कि ऑप्शन आएगा अपना देखते हैं क्या आना चाहिए कह रहे हैं कि वे इन डाउट जब भी डाउट में हो ऑर्डर इन डाउट में ऐसा आना चाहिए ऑलवेज ऑप्ट द ऑप्शन सिलेक्ट द ऑप्शन ऑप्टी सिलेक्ट करना उसके बाद में क्यों दजेज द लीस्ट डिसकंफर्ट टू ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल ट्वेंटी तो नाइन के अंदर ऑप्शन सी क्लिक करोगे ट्वेंटी नाइन में सी क्वेश्चन नंबर थर्टी पे चलते हैं थर्टी नंबर क्वेश्चन है अपना पिक्योरस पे ही अगला क्वेश्चन ये कह रहा कि इसमें फेथ एंड बिलीव आर फेथ एंड बिलीव आर आवर ग्रेटेस्ट डिफेंस अगेंस्ट द डेस्पोडेंसी ब्रोड बाय बैड टाइम्स तो थर्टी के अंदर बेटा आंसर आएगा अपना बी जो कि ये भी बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है और इजीली होने वाले बेटा तो ठीक है थैंक यू सो मच अपना इंग्लिश का ये पेपर सॉल्व हुआ और बिल्कुल क्लास में कवर्ड ऑलरेडी सारे क्वेश्चंस हैं इजीली तो कवर कर पाएंगे हाँ बेटा तो अब हम जनरल साइंस का फिजिक्स सेक्शन है उसको हम डिस्कस करेंगे और हमारे पास क्वेश्चंस रहेंगे 51 2 हंड्रेड तक फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के क्वेश्चन हैं जिसमें हम फिजिक्स के क्वेश्चन को अभी स्टार्ट कर रहे हैं राइट right? तो पहला क्वेश्चन है वॉट इज द मास ऑफ ए मटीरियल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी स्पेसिफिक हीट दे रखी है आपको और आपको टेम्परेचर में डिफरेंस दे रखा है मैंने आपको बताया है एम एस सॉरी एम एस डेल्टा टी एम एस डेल्टा टी इक्वल टू हीट होती है तो इसमें बेटा आपके पास दिया हुआ है एम की वैल्यू निकालनी है एस की वैल्यू दे रखी है फोर्टी सॉरी फोर हंड्रेड जूल और डेल्टा टी आपको दे रखा है पंद्रह डिग्री से पच्चीस डिग्री यानी आप यहाँ पे वैल्यू कितनी रख देंगे टेन और आपको हीट दे रखी है पच्चीस हज़ार जूल इसको आप वैल्यू पुट करेंगे एम की वैल्यू आएगी कितनी आएगी पाँच के जी आएगी ठीक है तो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन था इस बार हीट पे ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं नंबर टू द स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन और ये वेपराइजेशन के बारे में आपको बताया है कि कौन सी फेज से चेंज होगी तब आएगा

फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रिक चार्ज अब पॉजिटिव फोर्स का मतलब है कि जब आप कोलम लो में आप फॉर्मूला देखते हैं तो वहाँ पे बेटा फॉर्मूला आपके पास आता है एफ इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर अगर आप क्यू वन और क्यू टू दोनों की नेचर के साथ वैल्यू पुट करेंगे तो वॉट यू रिसीव कि अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो वैल्यू पॉजिटिव आएगी दोनों नेगेटिव हैं तो नेगेटिव आएगी इसलिए आपके पास पहला ऑप्शन है दे... पॉजिटिव पॉजिटिव बात भी negative, भी सच है नेगेटिव तब वैल्यू आएगी एक, और एक के साथ हम जाएंगे जिसमें पहले और दूसरे ऑप्शन करेक्ट है फिफ्टी फोर के बाद इलेक्ट्रिक तो वायर ऑफ रेसिस्टेंस 50 ओम, हमें रेजिस्टेंस दे रखा है और दीज देन कनेक्टेड इन पैरेलल

तो पहला ऑप्शन तो हो जाएगा कि परपेंडिकुलर और किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक लाइंस नहीं हो सकती तो इसके हिसाब से मेरे पास हो जाएगा एट राइट एंगल टू द कंडक्टिंग सरफेस एंड टूवर्ड ऑफ ये गलत है पॉजिटिव चार्ज है वो क्या करती हैं ओरिजिनेट करती हैं तो इन्फिनी की ओर जाएंगी इसलिए एट राइट एंगल टू द कंडक्टिंग सर्फेस होगा और आउटवर्ड वाला होगा इसलिए डी ऑप्शन जो है वो हमारा सही हो जाएगा इसके बाद में बेटा हमारे पास फिजिक्स के पोर्सन में अब फिफ्टी सेवन फिफ्टी सिक्स के बाद नंबर क्वेश्चन आएगा

नेक्स्ट है करंट रिक्वायर्ड टू लाइट अ 60 लाइटी यानी पावर दे रखी है यार आप जानते हैं पावर इक्वल टू वी इंटू आई तो पावर होगी बेटा 60 और वी हो गया आपके पास 240 तो यहां से आई निकाल लेंगे तो सिक्स फोर ट्वेंटी सेवन द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाई ए करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर एट ए पॉइंट आउट साइड याद रखे मेरे साथ इससे बेटा क्या होता है म्यू नोट आई बाई टू पाई आर ये होता है

चालीस मीटर पर सेकंड से एक बॉल को फेंका है और हम जानते हैं कि ग्रेविटी टेन मीटर पर सेकंड होता है तो पहली इक्वेशन लगाओ पहली इक्वेशन लगाए आप वीवल टू यू प्लस ए टी इसमें बेटा वी कर दो जीरो चार सेकंड तो ये ऑप्शन आ जाएगा आपके पास फोर्थ उसके बाद में सेवनटी द टाइम पीरियड ऑफ वन मीटर आप जानते हैं टाइम पीरियड होता है बेटा टू पाई अंडर रूट एल बाई जी और ये फिक्स है दो सेकंड होता भी है नहीं तो आप एल की वैल्यू एक मीटर रख दो तो आपके पास क्या आएगा टू पाई और ये आएगा जी की वैल्यू दस करोगे पाई की वैल्यू क्या होती है लगभग समथिंग होती है और अंडर रूट जी करोगे उसकी वैल्यू भी पाई के बराबर आती है तो यहाँ से आपकी वैल्यू कट जाएगी तो ऑप्शन कितना आएगा आपके पास टू आएगा। इसके बाद में 78 से 100 तक फिजिक्स के क्वेश्चन है उसके लिए हमारे साथ अपने नए सर हैं वो जुड़ रहे हैं उसके बाद में केमिस्ट्री और बायोलॉजी को कैरी करेंगे प्लीज सर सेवन टू आप सामने हंड्रेडी अभी चले जाओ अभी सेवन टू एट हाँ तो भाई 78 का जो क्वेश्चन है वो है ट्विंकलिंग ऑफ ए स्टार इज ड्यू टू द एटमोसफेयर तो सबको पता है कि जो तारों का टिमटिमाना होता है वो किस वजह से होता है तो वो आता है रिफ्रेक्शन ऑफ स्टारलाइट तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था आप इजीली ऐसे क्वेश्चन तो हमेशा पूछे जाते हैं

और वेलोसिटी जो आपको कैलकुलेट करें तो यहां से आप वीटू को कैलकुलेट करोगे तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा वन पॉइंट एट नाइन देखो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है मोमेंटम कंजर्वेशन से जो है आप ऐसे क्वेश्चन को इजीली कर सकते हो इसके बाद जो एटी टू का क्वेश्चन है इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखो पोजिशन की वजह से जो एनर्जी होती है यानी चेंज इन की वजह से जो एनर्जी आती है तो उस एनर्जी का यहाँ पे जिक्र है तो वो एनर्जी जो होती है वो कौन सी होती है पोटेंशियल एनर्जी कौन सी एनर्जी होती है पोटेंशियल एनर्जी ठीक है अब जो एटी का क्वेश्चन है 83 का क्वेश्चन है ये भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हो देखो एक साउंड वेव है जो फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 किलो हर्ड एंड वेवलेंथ 50 सेंटीमीटर तो इस क्वेश्चन को, को अगर अपन सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को अगर अपन सॉल्व करेंगे तो किस तरीके से सॉल्व होगा ये क्वेश्चन ध्यान से देखिए तो इस क्वेश्चन को अगर, अगर अपन सॉल्व करें तो यहां पर यहां पर क्या है कि आपको वेवलेंथ दे रखा है और फ्रीक्वेंसी दे रखा है तो अगर आपको रिलेशन पता हो अगर आपको रिलेशन पता हो कि जो स्पीड होती है स्पीड जो होता है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है तो डिस्टेंस के टर्म में अगर अपन देखें तो ये फिफ्टी सेंटीमीटर ठीक है और टाइम अगर देखे तो टाइम का उल्टा जो होता है वो फ्रीक्वेंसी होता है तो इसको फ्रिक्वेंसी से तो ये तो देखो फिफ्टी सेंटीमीटर इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे हंड्रेड से डिवाइड कर देंगे और इसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे वन किलो अट यानी कि थाउजेंड तो यहां से सोल्व करेंगे तो अपने पास जो स्पीड आ जाएगी साउंड वेव की तो स्पीड जो है वो यहाँ से अगर आप सोल्व करोगे तो आपके पास जो स्पीड आएगी वो कितनी आएगी यहाँ से आप देख सकते हो स्पीड जो है वो आ जाएगी फाइव मीटर पर सेकेंड अब फाइव मीटर पर सेकेंड से आप डिस्टेंस जो है वो आप कैलकुलेट कर सकते हो तो डिस्टेंस आपको दे रखी है वन किलोमीटर यानी कि थाउजेंड मीटर तो थाउजेंड मीटर अगर डिस्टेंस दे रखी है अब ये पूछ रहे है कितना टाइम लगेगा तो फाइव हंड्रेड मीटर पर सेकंड स्पीड है थाउजेंड मीटर में कितना टाइम लगेगा दो सेकंड तो ये जो है इसका आंसर जो है वो दो सेकंड आ गया इसके बाद जो अपने क्वेश्चन है इसके बाद जो अपना क्वेश्चन है वो आप देखोगे ध्यान से तो फिजिक्स के पोर्सन में नाइन्टी का क्वेश्चन है तो नाइनटी का क्वेश्चन है ये भी काफी आसान क्वेश्चन है कि ऑल ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस ए व्हेन दे आर इन तो जो होता है ये क्या होता है सबको पता है जो होता है वो क्या होता है अपवर्ड फोर्स होता है तो ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है अगर आपने थोड़ा बहुत भी ढंग से पढ़ा है तो आप इजीली ऐसे क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो नाइनटी के क्वेश्चन की अगर बात करें तो नाइन का क्वेश्चन जो है वो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल है तो राइट हैंड रूल जो होता है वो जो है वो इंड्यूज करंट की डायरेक्शन को बताया यह तो यहाँ पे और मिडल फिंगर है डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगी तो इसमें जो है अपना ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा ठीक है अभी नाइनटी सेवन का क्वेश्चन देखते हैं नाइनटी सेवन के क्वेश्चन आर वन एंड आर टू आर अरेज इन पैरल कॉम्बिनेशन ठीक है

तो अगर अपन आर टू की वैल्यू रखेंगे अगर हम आर टू की वैल्यू रखेंगे तो वो टू आर वन यहाँ पे रखोगे तो जो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो टू आर वन यहाँ पे रखोगे तो नीचे क्या हो जाएगा 3 R1. तो ये आ जाएगा टू आर वन तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो अपना आंसर जो है वो क्या आ जाएगा थ्री आर इक्वल टू टू आर वन थ्री आर इक्वल टू टू आर वन जो है वो इसका राइट right आंसर आएगा ठीक है तो यहाँ पे आप थोड़ा सा जो है वो करेक्शन कर लीजिए जो है थ्री आर इक्वल टू टू आर वन ठीक है ये इसका राइट आंसर है

एक्जर्ट होगा वो क्या होगा तो प्रेशर जो होता है वो होता है पी तो तो हो तो टू 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 हो एरिया अगर आप देखोगे तो ये जो एरिया इंटू में टेन लेकिन ये सेंटीमीटर में ये सेंटीमीटर में, तो इनको मीटर में कन्वर्ट करना जरूर क्योंकि आंसर जो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दे रखा है तो इसलिए इनको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हंड्रेड इंटू हंड्रेड ऊपर आ जाएगा इसको अगर अपन सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका जो राइट आंसर है वो आ जाएगा सिक्स पॉइंट सिक्स न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ठीक है थीके? इसके बाद अपना जो क्वेश्चन है हंड्रेड नंबर क्वेश्चन वो यहाँ पे हंड्रेड नंबर का क्वेश्चन हो आया था ठीक है तो वो जो है वो अपन देखेंगे अभी एक बार हाँ बेटा अभी मैं ये थोड़ा टाइपिंग में एरर बता देता हूँ मैग्निफिकेशन वाला था ठीक है और उसका आंसर आएगा पॉइंट फाइव और एक हंड्रेड नंबर क्वेश्चन है वो एयरक्राफ्ट वाला जो टायर है वो हमें कंडक्टिंग क्यों होते हैं उसका जो ऑप्शन है वो ओनली वन करेक्ट होगा तो वी कुड नॉट टाइप दैट और अब केमिस्ट्री का पोर्शन पहले बायोलॉजी के तो बायोलॉजी का पोर्शन डिस्कस करने के लिए अपने साथ प्रवीण सर आ रहे हैं सर राव प्लीज आपके बायोलॉजी का पोर्शन है वो प्रवीण सर डिस्कस करेंगे हां तो बच्चों ये 71 से कर देते हैं सेवेंटी वन नंबर है तो इसमें साधारण से पूछा है कि लिविंग और नॉन लिविंग के बीच पूछा है तो देखो इसमें बताया लिविंग की जो प्रॉपर्टी है बेटा वो है ग्रोथ और रिपेयर जबकि नॉन लिविंग इसमें नहीं होता है यह है सेवेंटी वन ये यहाँ पे देखने लिविंग के प्रति ठीक है, है ग्रोथ और रिपेयर है लिविंग में है जबकि नॉन लिविंग में नहीं होता है दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो हमने क्लास में बहुत बार बताया मेटाबॉलिक जो प्रोसेस है वो केवल लिविंग में होता है ठीक है मेटाबॉलिक प्रोसेस जैसे लाइक डाइजेशन रेस्पिरेशन ये सब है तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है बहुत टू ठीक है सी ऑप्शन है सेकेंड आपका जो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट प्लास्टिक यानी लवक जो स्टोर करते हैं स्टार्च ऑयल और प्रोटीन तो आप जानते हैं क्लोरोप्लास्ट या तो फोटोसिंथेसिस होता है क्रोमोप्लास्ट है डिफरेंट कलर्स के लिए है तो इसका जो सही आंसर है बी है ल्यूकोप्लास्ट ठीक है इसमें अमाइलोप्लास्ट है वो सब लिपिड को और ऑयल को स्टोर करता है सेवेंटी थ्री क्वेश्चन है विथ्स वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वैक्यूल्स इज नॉट करेक्ट यानी वेक्यूल के बारे में नॉट करेक्ट पूछा है ठीक है ने? तो प्लांट्स देर इज ए लार्ज वेक्योल प्लांट के अंदर सेंटर में एक ही वेक्यूल होती है बिल्कुल सही करेक्ट ऑप्शन है सेकेंड है प्लांट सेल वेक्योल प्रोवाइड ट्रेजिडिटी एंड रिजिडिटी ये भी बिल्कुल सही है एंड अमीबा वेक्यूल आर हैव होल रोल इन न्यूट्रिशन ये भी बिल्कुल ठीक है जबकि जो, जो गलत आंसर है ये है वेक्योल आर अपसेंट इन एनिमल सेल जबकि अपसेंट नहीं होती हैं प्रजेंट होती हैं छोटी होती हैं और पेरीफुल पार्ट के अंदर है कहने का मतलब है कि प्लांट्स के अंदर तो सेंटर में बड़ी है और एनिमल सेल में एक से ज़्यादा है तो ये ऑप्शन गलत है तो यही आपका आंसर है नेक्स्ट अपना है एक्वेटिक प्लांट के अंदर लार्ज एयर शेक के बारे में पूछा है जो बायोन्सी इफेक्ट के लिए है तो इसमें देखो अपने ये कॉम्प्लेक्स इशू है और इसमें जो आंसर आएगा यानी है, है? या मतलब है, अपनी मछलियों के लिए है तो रियल जो पीसीज है वो कौन सी है तो इसमें अपना आंसर है डॉग फिश और है ये जो फॉल्स है मतलब रियल में नाम तो लग रहा है कि फिश है लेकिन रियल में फिश नहीं है नेक्स्ट अपना है सीधा क्वेश्चन दिया हुआ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज कार्ड एम्फीवियन ऑफ प्लांट किंगडम यानी एम्फीवियन का मतलब है जो जल और थल दोनों में रहते हैं उसी के लिए एम्फीविया यूज़ करता है अपन यूज़ करते हैं एनिमल में और उसके लिए ब्रायोफाइटा है ये हर बुक में लिखा भी रहता है रा पड़ते भी हैं ठीक है थीके? अगला है विच वन इज द फॉलोइंग इज कॉज बाई ये बैक्टीरियल है ना योड़ा सा प्रिंट है बैक्टीरियल फैथोजन तो मतलब बैक्टीरियल डिजीज है तो आप सब जानते हैं एड्स हैं है, है, एच आई भी वायरल है डेंगू फीवर है ये भी वायरल है टाइफाइड है ये बिल्कुल बैक्टीरियल है कोविड नाइन्टीन ये आप सब जानते हैं तो तीन वायरल बीमारियां हैं एक बैक्टीरियल है इसमें टाइफाइड आपका होगा है ना मियादी बुखार मोती जरा बोलते हैं जिसे इसके बाद ठीक है आगे के सर हैं वो आपके सर ये ठीक है थैंक यू हाँ बच्चा तो अब केमिस्ट्री का पेपर डिस्कस करने के लिए बायोलॉजी के दो तीन क्वेश्चंस और हमारे पास बचे हुए कुछ वो करने के लिए प्रवीण सर आ रहे हैं हमारे पास एक और प्रवीण सर हैं तो सर नाइन्टी टू से हाँ सर लो, 92 माई, माई, माई। 92? हाँ नाइन्टी टू गुड इवनिंग बेटा बायोलॉजी के नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं 92 टू क्या रहेगा विच वन ऑफ द फॉलोविंग इज द मैकेनिज्म ऑफ कॉन्ट्रसेप्टिव पिल्स बेटा जो कॉन्ट्रोसेप्टिव पिल्स है उनका क्या काम होता है फर्स्ट आंसर क्या रहेगा दे किल द एग तो बेटा ये भी रोंग है दे किल द स्प रोंग रहेगा बेटा दे किल द जेगोट रोंग रहेगा हाँ दे इनिबिट द रिलीज ऑफ एग्स इट विल भी आवर राइट आंसर बेटा वो क्या करते हैं एग का जो इनिबेशन है उसको क्या कर देते हैं रिलीजेशन को इनिबिट कर देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा बायोलॉजी का देखते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स एज यूनिसेक्सुअल फ्लोर्स बेटा तो आंसर से ही समझ में आ रहा है पपाया पपाया हमारा क्या रहेगा बेटा यूनिसेक्सुअल फ्लोर्स की कैटेगरी में आएगा बाकी जो भी हैं हमारे दीज आर कैटेगराइज इन बाई सेक्सुअल कैटेगरी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है ए सेल इज अनेबल टू सिंथेसाइज लिपिड्स विच ऑफ द सेल ऑर्गेनल माइट बी डिफेक्टिव बेटा अगर हमारी सेल ने लिपिड्स का सिंथेसाइज करना स्टॉपेज कर दिया है कम कर दिया तो उसमें क्या रहेगा उसमें हमारी सेल का कौन सा जो ऑर्गेनल है वो डिफेक्टिव में आ जाएगा तो बेटा हमारे पास क्या रहेगा इट इज एस ई आर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो बेटा यहाँ पे आकर के आपके बायोलॉजी के जो क्वेश्चन है वो एंड अप में आते हैं अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं केमिस्ट्री केमिस्ट्री की फिफ्टी सेवन से है सर 88 से ले लो सर 88 से ले लेते हैं बेटा लास्ट के क्वेश्चन 4 88th क्वेश्चन से लेते हैं बेटा केमिस्ट्री का जो क्वेश्चन हमारे पास है वो क्या रहेगा देखें व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पिगमेंट बेटा पूछा गया इनमें से कौन सा हमारे पास पिगमेंट नहीं रहेगा आंसरस जिंक ऑक्साइड बेटा पिगमेंट कैटेगरी में आता है व्हाइट लेड भी आता है सिलिका भी आता है बट चौक के अंदर पिगमेंटेशन है वो लो अमाउंट में होती है तो हमारा आंसर क्या रहेगा चौक बी आंसर हो जाएगा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारे सामने विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फर्टिलाइजर्स इज नॉट करेक्ट बेटा फर्टिलाइजर्स के व्यू में कौन सा जो ऑप्शन है वो नॉट करेक्ट पूछा है अभी कौन सा हमारे पास करेक्ट नहीं है क्या रहेगा सबसे पहले वाला यूरिया इज फॉस्फोरस कंटेनिंग फर्टिलाइजर बेटा यूरिया के बारे में सारे बच्चे जानते हैं एन एस टू सी ओ एनएस टू केमिकल फॉर्मूला बेटा यूरिया का ये रहेगा और इसमें फॉस्फोरस कंटेनिंग बोला गया तो बेटा यही हमारे पास आंसर हो जाएगा बाकी सारे पता है फर्टिलाइजर्स क्या करते हैं इंक्रीज करते हैं फर्टिलिटी को ये आंसर भी ठीक रहेगा बेटा यूरिया हम बनाते हैं तो हमें पता है बेटा अमोनिया प्लस में सी ओ टू गैस का जब हम क्या करते हैं आपस में कॉम्बिनेशन के बाद यूरिया बेटा यूरिया फॉर्मेशन होता है एन एस टू सी ओ एन एस टू एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूरिया कंटेन

सिल्वर क्लोराइड जब हम इसको बेटा सनलाइट के प्रेजेंस में हम रखते हैं इन दी फॉर्म ऑफ एच न्यू तो क्या रहेगा बेटा हमारा सिल्वर प्लस में सी टू के फॉर्म में डीकम्पोज हो जाएगा बेटा तो ये हमारे क्वेश्चंस केमिस्ट्री के हैं बाकी क्वेश्चन सर करते हैं थैंक यू बेटा अब अच्छा अगले क्वेश्चंस केमिस्ट्री के डिस्कस करने के लिए अपने सामने डी सर आ रहे हैं तो डी सर केमिस्ट्री के बचाओ पोर्सन प्लीज क्वेश्चन नंबर फिफ्टी से हेलो स्टूडेंट्स केमिस्ट्री का पोर्शन सोल्व करेंगे अभी और जैसा कि आपको पता है केमिस्ट्री का पेपर का जो लेवल है वो एवरेज लेवल से आया है कोई ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत ज़्यादा हार्ड कुछ है एकदम से एवरेज लेवल का पेपर है जिसको हम फिफ्टी सेवन स्टार्ट करते हैं डर स्टूडेंट्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सोल्यूशन वेल सोल्यूशन में टू कम्पोनेंट्स होते हैं डर स्टूडेंट्स सोल्यूट एंड सोलवेंट तो यहाँ आपके पास मिल्क एलो एयर ऑल आर सोल्यूशन बट सुगर इज नॉट सोल्यूशन नॉट ए सोल्यूशन सो इसका आंसर हो गया डी So dear friends, refining, next 58 फॉलोइंग टेक्निक्स अ वेरी इंपॉर्ट क्वेश्चन लग रहा है सेपरेटिंग फनल डिफरेंट प्रोसेस होती है और इपोरेट प्रोसेस होता है सो डियो इट्स अ वेरी वेरी इजी कॉन्सेप्ट Uh, fractional distillation next question 59 which one of the following is a chemical change it's a very important concept dissolving uh, sugar in water melting of ice crystallization this means three options are included in physical change but one option is very very important here milk turning sour so it's right answer here 60 questions which one of the following is correct molecular formula of ammonium carbonate is valency Ammonium ion is plus 1 and carbonate ion is plus 2. So, dear students, here we discussed here NH4 plus. You know well. So we take 2 and CO3 2 minus. So then we get formula NH4 whole twice co 3 So right answer, uh, answer is it's. So dear students, A is right answer here. Which one of the following is a covalent compound? Dear students, which one of the following is a covalent compound? Here sodium. Calcium oxide and zinc sulfide, sodium nitride is right, but some misprint here. Silicon carbide is right answer, dear students. C, silicon carbide is a covalent compound and it is a very, very hardest substance due to presence of a covalent bond. So, dear students, next question we discuss here. The mass number of argon is 40. Which one of the following statement is correct? The number of protons is argon is 22, the number of neutrons is 18, the number of number of electrons in argon is 18 it's a correct sentence dear students it's a correct sentence the sum of number of protons and electro, uh, electrons are in argon is 40 so it's dear students in this question c is right answer so next 63 question which one of the following is the correct order of valencies of element neon silicon nitrogen and magnesium here so dear students you know well silicon have four valency nitrogen 3 magnesium 2 and neon 0 so its the correct answer this question is uh, answer is correct is a so next question 64 the true. next question 84 84 for an element with atomic number 35 which one of the following will be the correct number of electrons in its valence cell?

इसमें किसी भी ऑक्सीजन नंबर में कोई चेंज नहीं हुआ डियर स्टूडेंट्स इसलिए जब ऑक्सीजन में चेंज नहीं हुआ इट मींस इट्स नॉट ए रेडॉक्स रिएक्शन सो ये क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एनडीए के लेवल से आपको क्वेश्चन ये पुट हुआ है सो डियर स्टूडेंट्स 85 में आपका आंसर रहेगा ए 86 व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन इज इसोम विथ क्रिस्टलाइन सिलीन सो डियर स्टूडेंट इ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पता है, है, है और डायमंड एक रिमेंद्रो डर स्टूडेंट आपका जो क्वेश्चन रहेगा उसका आंसर रहेगा आपका डायमंड क्योंकि डायमंड और क्रिस्टलाइन सिलिकोन जो होते हैं दोनों ही हार्डेस्ट सब्सटांस होते हैं दोनों की जो स्ट्रक्चर है वो उसी टाइप की होती है सेम टाइप की होती है सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कलर ऑफ हाइड्रोजन गैस सो डियर स्टूडेंट्स हाइड्रोजन गैस इसका कलर हमने पहले ही कहा था कि या तो आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा या कोई साइंटिस्ट का नेम पूछेगा जो यहां से ये क्वेश्चन एज इट इज पुट हुआ है आपका जिसमें आपका आंसर होगा कलरलेस क्योंकि हाइड्रोजन का कोई कलर नहीं होता है सो इन दिस क्वेश्चन राइट आंसर इज डी दैट्स कॉल्ड कलरलेस नेक्स्ट क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पिगमेंट नॉट ए पिगमेंट सो डियर स्टूडेंट्स यू नो वेल इसमें चौक जो है आपका वो पिगमेंट नहीं है और ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजन का इसलिए भी है कि इस क्वेश्चन में जो है आपके फोर ऑप्शन है वो फोर के फोर करेक्ट है क्योंकि यहाँ जो है ना आपका चौक भी एक पिगमेंट होता है बट इन फोर में से ये क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा आंसर ज्यादा जो है वो सही है और जिंक ऑक्साइड व्हाइट लीड ये पेंट में यूज करते हैं डियर स्टूडेंट्स कहा यूज करते हैं पेंट में और सिलिका जो है ना वो इंडस्ट्रीज में यूज होता है सो so, स्टूडेंट्स थैंक्स हमारी जीएस टीम का बहुत बहुत धन्यवाद ये लंबी चौड़ी टीम है अपने पास जिसमें केमिस्ट्री बायो फिजिक्स सब के सबके अलग अलग टीचर्स हैं तो आगे वाला तो सेक्शन है हमारा 101 से लेकर डेढ़ सौ जो अपना फाइनल सेक्शन है जिसमें आपका हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी तो सौरभ सर वेलकम आपका आइए और शुरू कीजिए हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी तीनों सेक्शन आप ही लेंगे सर थोड़ा तो जोर से बोले गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू आप सबको सबसे पहले भारत के सबसे बड़े त्यौहार रामनवमी की शुभ चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज जीएटी का सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन जिसमें पहले हम डिस्कस करेंगे टेन टेन पोर्शन का हमारा अमाउंट रहेगा अप्रोक्सीमेटली दस क्वेश्चन उसमें आई थिंक जहाँ तक मैंने इसको एग्जामिन किया है कंप्लीट फॉर्म को उसमें ज्योग्राफी प्लस हिस्ट्री पॉलिटी एंड करंट अफेयर काफ़ी हा, हैवी वैटिज रहा है तो डियर स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करेंगे सेट ए जियोग्राफी फर्स्ट क्वेश्चन इज अर्थशास्त्र द क्लासिकल वर्क ऑफ इंडियन पोलिटिकल थॉट फोकस प्राइमरली ऑन यहाँ आपके सामने चार ऑप्शन है और कहा क्या गया कि अर्थशास्त्र मेन किसके ऊपर फोकस किया गया अर्थशास्त्र में तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ चार ऑप्शन है फर्स्टली ऑप्शन है इकोनॉमी दूसरा है कल्चर थर्ड है स्टेट क्राफ्ट और फोर्थ है मुनरिची आई होप कि आप इसमें करेक्ट ऑप्शन आप सी को ही टिक करके आए होंगे अगर हम थोड़ा सा इसके बेसिक पोस्टर की बात करें तो वहां बेसिकली इकोनॉमी को ज्यादा हाईलाइट किया गया है लेकिन इसका डियर स्टूडेंट्स करेक्ट आंसर सी होगा मैं रिपीट बोल रहा हूँ कि मैं सेक्शन ए की बात कर रहा हूँ जो हमारा सेट ए है उसके अकॉर्डिंग मैं पूरी आंसर की को आपको टिक करवा रहा हूँ तो इसके अकॉर्डिंग वन जीरो वन का करेक्ट आंसर सी रहेगा स्टेट क्राफ्ट सेकेंड है वेन डिड चरक संहिता ओरिजिनेट यानी कि चरक संहिता जो एक महान वैद्य थे वो कब लिखी गई थी कौन से इरा में लिखी गई थी तो हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा बी थर्ड टू सेकेंड सेंचुरी बीसीई, डियर स्टूडेंट बी सी बिफोर क्राइस्ट इरा इसको हम कंप्लीट काउंट करते हैं तो थर्ड है अर्ली बुद्धिस्ट स्क्स डिड नॉट शो बुद्धा इन ह्यूमन फॉर्म थ्रो विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम्स वाज बुद्धा प्रेजेंस शोवन बाय द अर्लियर स्कलप्टर्स तो यहाँ ऑप्शन ए है एम्पटी सीट एंड स्तूपा ओनली वाइल एंड ट्री ओनली सी ऑप्शन है व्हील ट्री एंड स्तूपा ओनली और फोर्थ है एम्पटी सीट व्हील ट्री एंड स्तूपा तो चार इसके पोर्शंस रहेंगे तो इसके अकॉर्डिंग हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा डी द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज प्राइमरली बेस्ड ऑन द मॉडल ऑफ तो हमारा जो प्राइमरली प्राइम पार्लियामेंट है सॉरी पार्लियामेंट वो बेसिकली किसके ऊपर बेस्ड है हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं तुम्हारा कंप्लीटली पार्लियामेंट बेस्ड है बेटे ब्रिटिश पार्लियामेंट के ऊपर ब्रिटिश पार्लियामेंट के अकॉर्डिंग हमारा ये पोर्शन क्या रहेगा बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर रहेगा इसका नेक्स्ट है द द द फॉलोइंग हैड शॉर्टेस्ट स्पैन इन ऑफिस एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ये आम बहुत इजी सा कैजुअल क्वेश्चन है जो आजकल हम क्लास में भी डिस्कस करते हैं और काफी जो हमारी लुसेंट वगैरह की अरयंत की बुक्स हैं उनमें बहुत हाईलाइटेड क्वेश्चन आता है टाइम पीरियड से रिलेटेड तो इसका एग्जैक्ट आंसर रहेगा बेटे चौधरी चरण सिंह इन दैट केस यहाँ अगर अटल बिहारी वाजपेयी राइट राइडर्न होता तो हमारा करेक्ट आंसर होता अटल बिहारी वाजपेयी तो एज यू सी कि यहाँ आप देख पा रहे हैं यहाँ कोई ऑप्शन अटल बिहारी वाजपेयी का नहीं है तो हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा चौधरी चरण सिंह 176 डेज इनका टोटल क्या रहा था टाइम ड्यूरेशन रहा था इनके पी ऑफिस में चलिए नेक्स्ट देखते हैं विच वन ऑफ द फोलोविंग डज नॉट फॉल अंडर द दिन ऑफ द एपेक्स कोर्ट ऑफ इंडिया ये पॉलिटिक्स है हमारा रिलेटेड क्वेश्चन है तो इसमें हमारा एग्जैक्ट आंसर रहेगा कोलजिएट जन्स ठीक है

का है। आपके सामने तीन मैं वेस्ट ना करते हुए ताकि हमारा तो एट का रहेगा बेटे ए स्टूडेंट वन ओनली नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मोर अबाउट द प्लेस एंड यू वॉन्ट टू लोकेट इट ऑन मैप विच ऑफ दर रिक्वायर्ड फॉर दू टू बी एबल टू लोकेट द्लेस ऑन द मैप सीधा सा क्वेश्चन है कि मैप को अगर हमने मैप पे किसी जगह की लोकेशन को लोकेट करना है वहां के पर्टिकुलर एरिया को जोन को डिवाइड करना है तो इसमें क्या रहेगा बेटे हमारा हमारा रहेगा बोथ लॉन्गिट्यूड्स एंड ऑफ द प्लेस हमारा करेक्ट आंसर रहेगा इसमें सी नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू ग्लोबल पोजिशन सिस्टम जी इज नॉट करेक्ट क्या रहेगा इसमें नोट करेक्ट में वन जीरो टेन में हमारा ऑप्शन रहेगा बेटे डी ऑप्शन इसमें रहेगा करेक्ट आप सेट उसमें चेक कर लीजिएगा ए सेट में ठीक है नेक्स्ट है हमारा यानी कि एक सौ ग्यारह ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन ऑफ इंडिया जब आपको पॉलिटी पढ़ाई गई होगी तो उसमें कमीशन के बारे में और नेशनल कमीशन के बारे में अलग से शॉर्ट लिस्टेड पोर्शन किया गया होगा तो इसमें मैं सीधा सा इसका ऑप्शन बता दूंगा आपको डी द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के महिलाओं के लिए जो कमीशन बनाया है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है नहीं है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा डाय ट्रेवलर in तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन रहेगा बेटे बी जो इसका एग्जैक्ट क्या रहेगा आंसर रहेगा ऑप्शन बी ठीक है तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्शन टू द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया हेल्ड इन टू थाउजेंड नाइनटीन

पहले से ही एग्जिस्ट थे लाइफ लिबर्टी एंड प्रसल्ट ऑफ हैप्पीनेस पर्टनिटी इसके क्या है भी अगेंस्ट था तो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन बनता है बेटे वन टू और थ्री इज योर करेक्ट ऑप्शन नेक्स्ट है हमारा हु अमंग द फॉलोइंग अमेरिकन प्रेसिडेंट डिस्क्राइब डेमोक्रेसी एज गवर्नमेंट ऑफ द पीपल फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल बहुत कॉमन सी एक लाइन है जिसमें हमें आई थिंक सिक्स स्टैंडर्ड से के टीचर हमारे को पढ़ाना स्टार्ट करते हैं तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए करेक्ट ऑप्शन बताता आपको ए अब्राहिम लिंकन नेक्स्ट है आर ऑफ द स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ द प्लैनेट अर्थ बिकॉज द एंगुलर विलोसिटी इज कॉन्स्टेंट प्लेस ऑन द अर्थ सरफेस एंगुलर विलोसिटी इज कॉन्स्टेंट बिल्कुल एंगुलर विलोसिटी क्या रहेगी कॉन्स्टेंट रहेगी सेकेंड है द एटमोस्फियर रोटेट विद अर्थ बिल्कुल सही है कि हमारा जो एटमोसफियर है ये भी क्या करता है अर्थ के साथ रोटेट करता है और थर्ड ऑप्शन है मूविंग एट ए रेट डिफरेंट फ्रॉम कोई भी नियर बाय ऑब्जेक्ट या आइदर स्टेशनरी अर्थ तो इसके अकॉर्डिंग हमारे फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों ही ऑप्शन क्या रहते हैं करेक्ट रहते हैं आगे वाइल्ड ट्रैवलिंग टू हिली रीजन यू नोटिस ए बोल्डर्स व्हिच वाज लूजेंड बाय बाई रेन्स एंड मूव्ड डाउनहिल ड डू टू विच ऑफिंग प्रोसेस क्वेश्चन हमारा सबसे हैवी अमाउंट अगर हम बात करें जियोग्राफी की तो चैप्टर से पहला ऑप्शन होगा, होगा तीसरा वैदरिंग होगा बेटे वेदरिंग ऐसे नहीं होता है वेदरिंग का मतलब है पहले किसी चीज का वहां से हट कर टूट जाना बिखर जाना उसको हम बोलते हैं वेदरिंग उसके तो अकॉर्डिंग हमारा फर्स्ट और सेकेंड किस ऑप्शन में है फर्स्ट और सेकेंड हमारा रहेगा बेटे बी ऑप्शन इज यूर करेक्ट आंसर

ये तीनों हमें सिचुएशंस दिए हैं आइस से रिलेटेड कि अगर वो पिघलेंगी तिसलेंगी आगे चलेंगी फ्लो करेंगी तो उसके रिगार्ड में हमारा सबसे बढ़िया ऑप्शन क्या रहेगा हम एक बात करते हैं बी एवलांच इसको बोलते हैं भू सकल सॉरी हिम सकलन बोलते हैं जो हिम है बर्फ है उसका अपने पर्टिकुलर प्लेस को छोड़कर आगे की तरफ खिसक जाना उसको हम बोलते हैं एवलांच आगे है नेक्स्ट द रियल बिगिनिंग ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन इंडिया कैन बी डेटेड from कि हमारे भारत में जो वेस्टर्न एजुकेशन है वो पहली बार इंट्रोड्यूस कब की गई थी या किसके की गई थी तो सीधा ऑप्शन डी हमारा करेक्ट रहेगा आगे है क्वेश्चन हमारा द टर्म इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय किसके द्वारा की गई थी इंट्रोड्यूस इसका ऑप्शन

आजाद हिंद फौज के लिए जाने जाते हैं हमारा ऑप्शन है कि बचता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इतिहास गवाह है चीज का कि भीमराव अंबेडकर ने हमारे भारतीय संविधान को बनाने में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है तो डियर स्टूडेंट्स इसका एग्जैक्ट आंसर हमारा रहेगा ए द सत्यशोधक समाज ट्रूथ सीकिंग सोसाइटी वाज सेट अप बाय ज्योतिबा फुले ऑप्शन बी इज अवर करेक्ट आंसर द थर्टीन सेंचुरी टेक्स्ट लेखा पद्धति गिवन अस इंफॉर्मेशन ऑन विच वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स अगर हम थोड़ा सा मेंटलिटी पोर्शन का इस्तेमाल करें तो लेख पद्धति इसके अंदर बेटे लेख यानी कि किसी चीज को लिखना और पद्धति उसका मतलब टेक्निक सीधा सा ऑप्शन है बेटे आर्ट ऑफ राइटिंग लिखने की कला ज्यादा समझने वाली जरूरत ही नहीं थी इसमें ना पढ़ने वाली जरूरत सिर्फ थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड उसका इस्तेमाल करना है आर्ट ऑफ राइटिंग इसका क्या होगा एग्जैक्ट ऑप्शन ए होगा नेक्स्ट हम देखते हैं वाज वाज वन ऑफ 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 द द द फाइव लीडर्स हु कोर नॉन मूवमेंट ही लीडर कंट्री इन अफ्रीका तो नॉन मूवमेंट में टोटल पांच हमारे जो लीडर्स थे वो इन्वॉल्व थे जिसमें हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और उसी में ही इन पांच लीडर्स में से एक थे हमारे नकुरहा और ये बेसिकली थे बेटे घाना जो साउथ अफ्रीका पोर्शन में एक पर्टिकुलर जगह है घाना वहां के और क्या रहे थे 1960 में घाना के फर्स्ट प्रेसिडेंट भी ये अनाउंस किए गए थे वहां से ठीक है आपका एग्जैक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी क्या है नेक्स्ट द आइडिया ऑफ प्लानिंग इन इंडिपेंडेंट इंडिया वाज ड्रॉन फ्रॉम यहाँ बच्चों को कई बार कंफ्यूजन होगा कि सर ऑप्शन ए और डी सही होने चाहिए क्योंकि द बॉम्बे प्लान एंड द गांधी विजन ऑफ इंडिया फ्यूचर तो हम इसको तो मान सकते हैं लेकिन अगर हम बेसिकली इकोनॉमी की बात करें इकोनॉमी के थ्रू द बॉम्बे प्लान को ही हम सबसे ऊपर रखते हैं जिसमें क्या बताया गया कि प्लानिंग ऑफ इंडिपेंडेंट उसके बाद हम कैसे हमारी इकोनॉमी को सेट करेंगे इस थ्रू इसके थ्रू हमारा तो वन ट्वेंटी एट है इसका एग्जैक्ट ऑप्शन रहेगा द बॉम्बे प्लान नेक्स्ट है निजारगा गतिवर ताउते एंड यांस आर नेम ऑफ जब हम आपसे डिस्कस करते हैं तो बेसिकली हम पहले से ही आपको बोलते हैं कि एन सी आर टी पर थोड़ा सा कमांड अपनी बना के रखिए तो वहीं से सारे क्वेश्चन लगभग हिस्ट्री के उठा लीजिए या पॉलिटिक उठा लीजिए ज्योग्राफी के हमने सारे वहीं से मैच करके आपके सामने रिप्रेजेंट किए हैं तो इसका एग्जैक्ट आंसर साइक्लोन्स होगा ठीक है ये सारे के सारे क्या थे साइक्लोन्स के नाम है अभी रिसेंटली जब हम लॉकडाउन पीरियड में थे तो आपने सुना होगा न्यूज़ वगैरह में चेक किया होगा कि ताउते ये क्या है एक साइक्लोन था जो रिसेंटली आकर गुजरात वाले कोर्स से आकर टकराया था ठीक है तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या रहेगा डी विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट एंड यूटी कनेक्टेड विद द इंडियन रेलवे नेटवर्क इन दर टू थाउजेंड अगर हम बात करें टू से पहले की तो हमारा जो नॉर्थ ईस्ट वाला पोर्शन है वो लगभग कनेक्ट नहीं था रेलवे ले ले से लेकिन जो हमारी रेलवे मिनिस्ट्री है उसने काफी एफर्ट करके हमारे नॉर्थ ईस्ट पोर्शन को कनेक्ट किया है तो हम इसकी कड़ी में हमारा जो एग्जैक्ट आंसर होगा वो होगा मणिपुर ऑप्शन सी वन थर्टी का ऑप्शन रहेगा इसका सी करेक्ट नेक्स्ट देखते हैं द फॉरेस्ट ऑफ उत्तराखंड कुल्लू वैली इन हिमाचल प्रदेश एंड एंडो वैली इंड नागालैंड एंड मणिपुर वर इन द न्यू ऑन अकाउंट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन अभी रिसेंटली अगर हम बात करें दो महीने पहले की तो ये सारा का सारा जो पोर्शन है ये काफी हाईलाइटेड इशू रहा था न्यूज में अगर आप थोड़ा बहुत न्यूज के या करंट अफेयर के उसमें कॉन्टेक्ट में है तो ये किसके कारण न्यूज में रहा था

28 स्टेट्स एंड 8 क्या हैं हमारे है हमारे यहाँ पर यूनियन टेरिटरीज हैं जियोग्राफी की फिजिकल पोर्शन का फर्स्ट लेसन में ही सारे के सारे इंट्रोडक्शन आपको अवेलेबल करवा दिया जाएगा आगे है स्नो स्लीट एंड हेल आर द फॉर्म्स ऑफ क्या रहेगा प्रेसिपिटेशन ठीक है प्रेसिपिटेशन के क्या है भी ये सारे के सारे फॉर्म्स होंगे जिसके थ्रू स्नो स्लीट एंड हेल आर फॉर्म्स ठीक है नेक्स्ट है फॉलोविंग टू मोस्ट प्रिवलेंट फॉर्म ऑफ वेदरिंग इन हॉट ट्रॉपिकल डेजर्ट एरिया की जहां गर्म या हॉट ट्रॉपिकल एरिया होगा वहां पर किस टाइप की वेदरिंग होगी लिंचिंग वहां हो नहीं सकती बायोलॉजिकल प्रोसेस वहां होगा नहीं केमिकल के लिए हमारे को ऑक्सीडेशन की जरूरत पड़ेगी सोल्यूशन की जरूरत पड़ेगी कार्बोनेशन की जरूरत पड़ेगी तो हमारा केवल एक ही ऑप्शन बचता है ऑप्शन ए मकैनिकल तो डेजर्ट में किस तरह की वेदरिंग होगी मकैनिकल टाइप की वेदरिंग होगी नेक्स्ट है फॉलोविंग तो of of इसने क्या कहा है कि जहां रॉक्स है उबड़ खाबड़ जमीन है पेनसुलर प्लेटिव है तो सीधी सी बात है बेटे जब हम इंडिया की जियोग्राफी के बारे में पढ़ते हैं तो इस तरह का जो फीचर्स हमें कहा देखने को मिलते हैं पेनिनसुलर प्लेट्यूज वाले पोर्शन में देखने को मिलते हैं आगे देखते हैं क्या बोल रहे हैं भैया ए पर्सन हैज विजिटेड ए पर्सन ए पर्सन हैज विजिटेड रीजन इन इंडिया एंड फाउंड ट्रीज सच एज खेर नीम खेजड़ी एंड पलास विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन ही शी एक्सपेक्टेड टू हैव विजिटेड अगर हम बात करें ट्रीज वाले पोर्शन की या वेजिटेशन वाले पोर्शन की जो आपने बायो में भी बहुत एक्सपैंड पोर्शन में पढ़ा होगा तो यहाँ हम बात कर रहे हैं वेजिटेशन की हम ट्रॉपिकल डिस उसके भी दो पार्ट है एक तो मोस्ट डिसीडियस और दूसरा ड्राई डिसीडियस तो सारे क्या है ड्राई डिसीडियस के पार्ट हैं और ड्राई एरिया कहाँ रहेगा हमारा लगभग लगभग डेजर्ट रीजन में रहेगा बेटे तो कुछ नहीं है आप थोड़ा सा अगर क्वेश्चन की कॉमन साइंस को समझते हैं तो लगभग आप उसको कवर कर लेंगे ऐसा कोई बड़ा इशू है नहीं हमारे इस पूरे चार पार्ट्स में

प्रोसेस तो हमारा का ऑप्शन रहेगा बेटे इसके अंदर लिए काफी इंपोर्टेंट रहा है इस बारी के जियोग्राफी में नेक्स्ट हम देखते हैं क्या रहेगा इफ यू वॉन्ट टू ऑब्जर्व मोरस एस्कर एंड आउटवॉश प्लेन्स विच वन ऑफ दूनियन टीजेस में यू हैव टू विजिट वापस से वही लैंड फॉर्म ग्लेशियर वाले टॉपिक्स में हम पढ़ते हैं तो उसमें एस्कर्स सारे पढ़ते हैं तो इसमें ग्लेशियर्स कहाँ मिलेंगे हमें देखने को लक्षद्वीप में वैसे नहीं मिलेंगे आइलैंड पोर्शन है अंडमान निकोबार खुद आइलैंड पोर्शन है पुडुचेरी क्या रहेगा हमारा यूटी रहेगा वहां पर कोई ग्लेशियर फाउंडेशन पोर्शन है नहीं तो अब लास्ट ऑप्शन बचता है हमारे पास ऑप्शन डी लद्दाख हमें ये सारा कुछ देखने को मिलेगा लेजेंडरी कत्थक डांसर पंडित बिरजू महाराज डाइड रिसेंटली बिर एक कत्थक नृत्य थे, थे तो किसान से, रखते थे? तो ये से रखते थे. कि भारत ने कौन से इसमें से पर्टिकुलर कंट्री को ब्रह्मोस मिसाइल क्या किए हैं बेची है एक्सपोर्ट किए हमने ये आइडिया लिया रशिया से था लेकिन एक्सपोर्ट आगे किसको कर दिया खुद भारत में बना के ऑप्शन बी फिलीपींस को ही हमने क्या किया फिलीपींस ऐसी पहली कंट्री है जिसने हमारे से ब्रह्मोस मिसाइल क्या किया है खरीदा है नेक्स्ट देखते हैं हु अमंग द द फॉलोइंग इज हेड ऑफ कमेटी अपॉइंटेड बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टू इनक्वाट लेट टू बी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन पंजाब रिसेंटली एक काफी हाईलाइटेड मुद्दा रहा था अभी रिसेंटली जब किसान आंदोलन चल रहा था तो पीएम नरेंद्र मोदी पंजाब में रैली के लिए गए थे तो किसानों ने उनका रास्ता रोक लिया था तो उन्हें एक हाईवे पे ही जो पुल वगैरह बने होते हैं वहां पर स्टे करना पड़ा था ठीक है इस पूरे के पूरे सिक्योरिटी लेप्त के पोर्शन को देखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट को कहा था तो उस कमेटी का सबसे बड़ा हेड बनाया गया था जस्टिस इंदू मल्होत्रा को इस पूरे की पूरी कमेटी में पांच मेंबर थे जो ये फाइंड आउट करते कि कहाँ सिक्योरिटी रहा है ठीक है

इससे पहले हमारे चेयरमैन थे वो के सिवान थे जिनके टाइम में चंद्रयान वाला पोर्शन मिस हो गया था हमारे से कि हम उसके साउथ पोल पर नहीं जा पाए थे आई होप सो कि इस बार जो हम 2022 में गगनयान कर रहे हैं इंस्टॉल उसमें ऐसा कुछ पॉसिबल हो पाए तो इसके अकॉर्डिंग हमारा 145 फोर्टी फाइव के अकॉर्डिंग ऑप्शन रहेगा डी एस सोमनाथ आगे अकॉर्डिंग टू द फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट टू एरिया वाइज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर इन इंडिया कोई ज्यादा इशू नहीं है पहले से लेकर अंतिम तक फ्रॉम डे फर्स्ट टू लास्ट एक ही स्टेट है जो सबसे ज़्यादा कवर करता है 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 मध्य प्रदेश अगर की बात करें तो कोई नहीं है। सिर्फ एक ही हरियाणा ठीक है में में सबसे नीचे क्या रहेगा हरियाणा और सबसे हाईएस्ट में रहेगा मध्य प्रदेश नेक्स्ट देखते हैं चेयरपर्सन ऑफ द गुड एंड सर्विस टैक्स काउंसिल वन अमेंडमेंट कब हुआ था जुलाई

उससे है 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 ये डाला डाला गया बेटा इसको जो 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 लाल चंदन चंदन वो जो है, वो फिल्म में 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 बनी है और बनी और ऊपर तो उस चंदन को हमने पाया जाता कर्नाटक ठीक इससे आप जल्दी रिलेट कर पाएंगे इस क्वेश्चन से नेक्स्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइडेड ऑब्जर्व वीर बाल दिवस ऑन ये गुरु गोविंद सिंह के चार शहजादे थे उनकी याद में हमारे पीएम मोदी ने इसको स्टार्ट किया बेटे 26th दिसंबर को 149 वाले पोर्शन में हमारा ऑप्शन रहेगा सी नेक्स्ट है ऑन 14th जनवरी 2022 विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्टर्स हैज ऑर्गेनाइज्ड ए ग्लोबल सर्वे सूर्य नमस्कार नमस्कारDemonstration प्रोग्राम सीधी सी बात है बेटे किसके के अंडर आता है ये मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के ऑप्शन बी आई होप इन चारों पोर्शंस को आपने बहुत अच्छे से कवर किया होगा ठीक है इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ थैंक यू नाइट ठीक है तो बेटा इस उम्मीद के साथ कि आपका बहुत अच्छा एग्जाम हुआ और आप एस के लिए बहुत जल्दी प्रिंस एंड डी एकेडमी आएंगे पवन सर आओ आधिकारिक घोषणा करते हैं लाइव की लो सर तो प्रिंस एंड डी अकेडमी के सभी स्टाफ को बहुत बहुत धन्यवाद जो अपना कीमती समय निकाल के लाइव में आए और बच्चों के लिए जितना हो सके डेप्थ में जितना डिटेल सोल्यूशन हो सके वो हमने दिया इसके अलावा जो चारों पेपर सेट हैं इनकी चारों आंसर की अपनी प्रिंस एन एकेडमी की वेबसाइट पर जाएंगे तो चारों की चारों आपको आंसर की मिल जाएगी बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू